नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। क्या आपकी भी दिनचर्या में पक्षियों को दाना डालना शामिल है? अगर हाँ तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। पक्षियों को दाना डालने की हमारी आदत न केवल प्रकृति को असंतुलित कर रही है बल्कि इंसानों में जानलेवा बीमारी का कारण भी बन रही है। इन दानों को चुगने वाले पक्षियों में अधिकांश कबूतर होते हैं जिनके संपर्क में आकर आप रेस्पिरेटरी एलर्जी से लेकर गंभीर इन्फेक्शन तक का शिकार हो सकते हैं। ये समस्या अब इतनी गंभीर होती जा रही है कि बर्ड साइंटिस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से कबूतरों को दाना ना डालने की अपील कर रहे हैं। यूपी के मेरठ में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग कबूतरों को नियमित दाना डालते हैं। इन इलाकों में फूलबाग कॉलोनी, ढोलकी मोहल्ला, शहर दाल मंडी जैसे कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां कबूतरों को पालने के लिए लोगों ने अपने घरों के कुछ हिस्से को ही पिंजरा बना दिया है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ शहरों में कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी गई थी और ऐसा करते पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माना भी देना पड़ रहा था। मुंबई से सटे थाने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके खिलाफ पोस्टर अभियान भी चलाया था। इसमें पोस्टर के माध्यम से लोगों को कबूतरों को खाना खिलाने को लेकर चेतावनी दी गई है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति ऐसी गंभीर समस्या का शिकार कैसे हो सकता है। हम बताते हैं। दरअसल कबूतर के बीच में क्लैमाइडिया सिटिकाई नामक बैक्टीरिया और इनके पंखों में एक तरह का फंगस पाया जाता है जिससे हिस्टोप्लास्मोसिस नामक बीमारी होती है। सांस लेते समय कबूतर के पंख और बीच से एंटीजन फेफड़े तक पहुंचता है जिसके चलते इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। इससे व्यक्ति के सिटिकोसिस नामक संक्रमण से संक्रमित होने की संभावनाएं होती हैं। पिछले कुछ दिनों में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस विषय पर चेस्ट डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर विरोत्तम तोमर बताते हैं कि इससे संक्रमित होने के बाद व्यक्ति को शुरुआत में बुखार, सांस लेने में भारीपन और खांसी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमित मरीज के फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। गंभीर संक्रमण होने पर बाहरी ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन समस्याओं से दूर कैसे रहा जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन लोगों को COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर अस्थमा एलर्जी की समस्या है उन्हें कबूतर के संपर्क में आने से गंभीर समस्या हो सकती है, यानी उनके फेफड़ों की स्थिति खराब हो सकती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे सुरक्षित रहने के लिए ऐसे व्यक्ति को कबूतरों को दाना डालने से बचना चाहिए जिससे उनकी जनसंख्या नियंत्रित रहे। कबूतरों से दूरी रखने के लिए लोग जाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। AC का उपयोग करने वाले लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर पक्षी इनके पास रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों की नियमित रूप से सफाई भी जरूरी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।